अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। फ्रेंड्स, आज मैं बेबी कटिंग ट्राउज़र की कटिंग करने जा रही हूँ, कटिंग और स्टिचिंग। ये तकरीबन साल या 1.5 साल की बच्ची है जिसका मैं ट्राउज़र बनाने जा रही हूँ। ये देखें, ये इसका नाप है ट्राउज़र का, ये है तकरीबन 17 इंच। 17 इंच मैंने तैयार ट्राउज़र बच्ची का रखना है। ये हमने कपड़े को डबल फोल्ड कर लेना है, जितना हमें कपड़ा चाहिए ट्राउज़र के लिए उस हिसाब से कपड़ा हमने लेकर इसको डबल फोल्ड कर लेना है। फिर इसका हमने नाप करना है। ये हमारे पास है 19 इंच, तकरीबन 19.5 इंच का ये कपड़ा हमारे पास लंबाई में। फिर हमने इसका आसन देखना है कि इस बच्ची का आसन कितना है हमारे पास। तैयार हमारे पास आसन है 8.5 इंच, ये देखें। हमने इसका रखना है ये लास्ट के लिए, इतना हमने कपड़ा फोल्ड कर लिया। ये देखें, ये 8.5 इंच, हमने 8 इंच पर इसका निशान लगा लेना है। उसके बाद हमने जो मैं डिज़ाइन इसका तैयार करने जा रही हूँ, वो नीचे से पोंचे जो हैं इसके वो चुनट वाले हैं, इसलिए हम इसका ये कपड़ा पूरा रखेंगे, हल्की सी कटाई इसकी डालेंगे। कुछ इस तरीके से ये लास्ट के लिए बच गया और ये हमारा आसन हो गया। नीचे से मैंने इसलिए ये पूरा पोंचा खुला रखा है कि इसके मैंने सिलाई से चुनट डालनी है। ये हमारा ट्राउज़र है, बहुत आसान तरीका है, मैं आपको सिलाई करके बता रही हूँ, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसके बाद मैं इसके साथ फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग वो भी आपको मैं बताऊँगी। ये देखें फ्रेंड्स, अब मैं इसकी स्टिचिंग करने जा रही हूँ ट्राउज़र की। सबसे पहले हम इस कपड़े को उल्टा करेंगे, उसके बाद हम इसकी आसन की सिलाई लगाएंगे। फिर हम इसका लास्टिक वाला हिस्सा वो फोल्ड करेंगे कुछ इस तरीके से। ये देखें, छोटी बच्ची का ट्राउज़र है तो हम उस हिसाब से इसका फोल्ड करेंगे लास्टिक वाला हिस्सा। इस तरह हम छोटा छोटा फोल्ड कर लेंगे कुछ इस तरीके से। हमने लास्टिक वाला हिस्सा फोल्ड कर लेना है, इतना हमने छोड़ देना है बच्चे का लास्टिक डालने के लिए, आसानी रहती है। फिर हमने पोंचे का नीचे वाला हिस्सा बारीक फोल्ड करना है ऐसे। बहुत इजी, बहुत आसान डिज़ाइन है ये, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके बच्चे के पहना हुआ बहुत प्यारा लगेगा। दोनों पोंचे हमने इसी तरह बारीक बारीक फोल्ड कर लेने हैं। फोल्ड करने के बाद
ये देखें, ये मैंने फोल्ड कर लिए। हमने 17 इंच लंबाई रखनी थी, तो हम देख लेते हैं ये 17 इंच बन रहा है हमारे पास। ये देखें 17 इंच से थोड़ा सा मैंने नीचे इसलिए रखा है ज़्यादा, कि इसके जो हमने चुनट डालनी है उसमें भी कपड़ा आएगा। चुनट हमने कुछ इस तरीके से डालनी है। सिलाई को हम थोड़ा मोटा कर लेंगे चुनट डालने के लिए। यहाँ पर हमने रख के तकरीबन 1 इंच के फासले पर रख कर स्टेप करके इसको सिलाई डालेंगे, सीधी सिलाई। इसी तरह हमने दूसरी सिलाई 1 इंच का फासले पर, 1 इंच फासले पर रखकर हमने दूसरी सिलाई लगानी है। ये देखें फ्रेंड्स, आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी। इसी तरह 1 इंच के फासले पर ही हमने तीसरी सिलाई लगानी है। ये देखें, अब तीनों सिलाइयों को हम इकट्ठा यहाँ से पकड़कर, धागा पकड़कर तीनों का इसी तरह और इस तरीके से पकड़कर हम खींचेंगे और चुनर डालेंगे। हल्की हल्की चुनर डालेंगे, जितना हमने पोंचा रखना है उतना पोंचा हम रखेंगे। इसी तरीके से दूसरा पोंचा हम तैयार करेंगे। ये देखें फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से हमारी चुनर डल जाएंगी। ये देखें, ये मैं आपको दिखा रही हूँ क्लोज करके, इतना प्यारा लग रहा है ये डिज़ाइन। मैं आपको एक बात बता दूं, जब हम चुनर डालते हैं तो इसके एंड वाले जो धागे हैं इसको हम गिरा दे देंगे कुछ इस तरीके से, ताकि ये सिलाई से धागे निकल ना सकें और हमारी चुनट ना खुल जाएं। इस तरीके से हमने तीनों जगह पर गिरा दे देनी है। फिर हमने इसके पोंचे से आसन तक की सिलाई लगा लेनी है। बच्चे की हेल्थ के हिसाब से हमने पोंचा रख लेना है। ये देखिए, मैंने कुछ इतना रखा है। कपड़े के साथ साथ हमने सिलाई लगा लेनी है। ऐसे हमने आसन को पकड़कर सिलाई लगानी है। इसी तरह हमने डबल सिलाई लगा देनी है, क्योंकि बच्चियों के आमतौर पर ट्राउज़र की सिलाई निकल जाती है, हम डबल सिलाई लगा देंगे। फालतू जो धागे हैं वो हम काट देंगे, कपड़ा फालतू काट देंगे हम। ये देखें फ्रेंड्स, हमारा ट्राउज़र तैयार हो गया। कितना प्यारा, कितना डिसेंट तैयार किया है मैंने, ये देखें। आई होप आपको बहुत अच्छा लगेगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें, ये इसके पोंचे कुछ इस तरीके से बनेंगे। देखिए, बहुत सिंपल, बहुत इजी है।
इसी तरह मैं आपको फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग का तरीका बताऊंगी इंशाल्लाह। ओके फ्रेंड्स, अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।